Hello learners, welcome to RR classes. How are you? Hope you're doing well. So this is our next MCQ series of 5000 MCQ series. जल्दी से हम इसको कंप्लीट करेंगे, पर 5000 MCQ दिस इज अ वेरी लास्ट टास्क. सो क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेडिंग ब्लॉक. इनमें से कौन सा ट्रेडिंग ब्लॉक नहीं है? नफ्टा, एशियन सारक या IMF. नफ्टा, नॉर्थ अफ्रीकन फ्री ट्रेड एरिया, एशियन भी है, सारक भी है. IMF कोई ट्रेडिंग ब्लॉक नहीं है. IMF इज़ एन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस के अंदर बनी थी. जब ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 के अंदर, उसके दो ट्विन निकल कर आए थे. एक निकल कर आया था IMF और एक निकल कर आई थी IBRD. IBRD क्या होता है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. इसको हम किस नाम से बुलाते हैं? वर्ल्ड बैंक के नेम से भी बुलाते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 86, टेक ओवर जनरली इन्वॉल्व. टेक ओवर में किस चीज़ को इन्वॉल्व किया जाता है? टेक ओवर का मतलब क्या होता है? टेक ओवर का मतलब होता है द एक्विजिशन ऑफ पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग. तो टेक ओवर का बेसिकली मैं आपको एक छोटा मीनिंग बताती हूँ. टेक ओवर का मतलब क्या होता है? जो एक बड़ी सारी फर्म होती है वो क्या कर लेती है? टेक ओवर कर लेती है किसी को. जैसे कि हम जब रोड पर चलते हैं तो हम किसी कार को टेक ओवर कर लेते हैं, उससे आगे निकल जाते हैं, उसको कंट्रोल कर लेते हैं. तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है कि कंट्रोल कर लिया जाता है दूसरी कंपनी को. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. टेक ओवर के अंदर किस चीज़ को इन्वॉल्व किया जाता है? टेक ओवर का मतलब क्या होता है? द एक्विजिशन ऑफ सर्टेन ब्लॉक ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ ए कंपनी. एक्विजिशन कर लिया जाता है कुछ ब्लॉक ऑफ इक्विटी कैपिटल का कंपनी का, जिससे एक्वायरर को क्या मिल जाता है? जो कंपनी टेक ओवर करती है वो कौन होता है? एक्वायरर होता है. वो टेक ओवर करती है दूसरी कंपनी के ऊपर, जिससे जो एक्वायरर होता है उसको क्या मिल जाता है? अनदर कंपनी के कंट्रोल मिल जाता है. दिस इज कॉल्ड द टेक ओवर. सो क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी. डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी क्या काम नहीं करती है? आप लोगों को पता होगा कि जो मार्केटिंग होती है उसके 4P होते हैं. 4P के अंदर प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट, प्रमोशन. उसके अंदर जो प्लेस मिक्स होता है, प्लेस मिक्स के अंदर दो पार्ट आते हैं. एक आता है आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किसको इंक्लूड करके चलता है? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड करके चलता है जीरो लेवल चैनल को, जिसके अंदर जो गुड्स हैं वो सीधे डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचाती हैं. कुछ हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट चैनल को यूज़ करके चलते हैं. जब हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, इसको हम लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का नाम भी बोलते हैं. यहाँ पे हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात लेकर चलते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को लेकर चलते हैं. ट्रांसपोर्ट को, वेयर हाउसिंग को, इन्वेंट्री को, ऑर्डर प्रोसेसिंग को और मटेरियल हैंडलिंग को. किस चीज़ को लेकर चलते हैं? ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री, ऑर्डर प्रोसेसिंग और मटेरियल हैंडलिंग को लेकर चलते हैं. तो इसके अंदर से कौन सा नहीं है? ट्रांसपोर्टेशन होगा, सर्विस होगा, इन्वेंट्री होगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है. मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन का कहाँ काम आया है ना? सो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का नहीं होगा. और ट्रांसपोर्ट कौन सी यूटिलिटी क्रिएट करता है? याद रखना TP. ट्रांसपोर्ट कौन सी यूटिलिटी क्रिएट करता है? प्लेस की यूटिलिटी क्रिएट करता है. और वार टाइम, वार टाइम का मतलब जो वेयर हाउस होता है वो कौन सी यूटिलिटी क्रिएट करता है? टाइम की यूटिलिटी क्रिएट करता है. जो इंडस्ट्री होती है वो कौन सी यूटिलिटी क्रिएट करती है? फॉर्म की, इंश्योरेंस रिस्क की करता है. क्वेश्चन नंबर 88, हु इज़ द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट. एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी है, ये किसका पार्ट है? आपको पता है क्या? जो आपके मैनेजमेंट के स्कूल होते हैं उसके अंदर एक क्लासिकल थ्योरी होती है. उस क्लासिकल थ्योरी के अंदर तीन पार्ट आते हैं आप लोगों के. एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, एक होती है साइंटिफिक मैनेजमेंट, एक होती है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट. तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है उसके फादर कौन रहे? हेनरी फ्योल, जिनके फेमस क्या हैं? 14 प्रिंसिपल जो कि इन्होंने दिए हैं, हेनरी फ्योल ने दिए हैं. साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया? FW टेलर ने दी है. उन्होंने कुछ टेक्निक्स के बारे में बताया है. उनकी टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है, लाइक फंक्शनल फॉरमैनशिप हो गया और काफ़ी सारी टेक्निक, फैटिग्यू स्टडी हो गया, मेथड स्टडी हो गया, टाइम स्टडी हो गया. और ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट किसने दी है? मैक्स वेबर ने दी है. तीन स्कूल होते हैं, क्लासिकल, नियो क्लासिकल और मॉडर्न. ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव के फादर कौन है? हेनरी फ्योल. हेनरी फ्योल इज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट. मैक्स वेबर इज द फादर ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट. फ्रैंक एंड उसकी वाइफ गिलबर्थ ने क्या दिया और हेनरी गेंट ने क्या दिया, ये इंपॉर्टेंट है. हेनरी गेंट ने क्या दिया? एक बोनस प्लान दिया है. आपने नाम सुना होगा बोनस प्लान का. हेनरी गेंट ने क्या दिया? बोनस प्लान दिया है. हेनरी गेंट 1865 to 1899 तक के थे. वॉज ऑल्सो एन एसोसिएट ऑफ द टेलर. जो FW टेलर के कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन आए हैं, फैटिग्यू स्टडी, टाइम स्टडी, मैथड स्टडी, मोशन स्टडी,
फंक्शनल फॉर्मेनशिप, उनके अंदर एक बोनस प्लान जो है वो हेनरी गेंट ने दिया है. ही इज़ प्रॉब्ली नोन फॉर दैट की कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी. उन्होंने दो सिस्टम बनाए हैं, एक आपको बनाया है उनके लिए, एक बना के दिया उन्होंने गैंट चार्ट बना कर दिया है, और सेकेंड उन्होंने क्या बना कर दिया है, टास्क एंड बोनस सिस्टम बना कर दिया है. क्या किया, गैंट चार्ट एंड टास्क एंड बोनस सिस्टम बना कर दिया है. ओके जो गैंट ने ये बात कही है कि जो वर्कर क्या करते हैं, स्टैंडर्ड से कम काम करते हैं उनको अलग वेज रेट दो, जो स्टैंडर्ड से ज़्यादा काम करते हैं उनको क्या दो, बोनस दो. सो ध्यान से मेरी बात को सुना, ये हेनरी लैग गैंट के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, अगर वर्कर ने क्या करा है, स्टैंडर्ड से ज़्यादा टाइम लिया है, मतलब कि उसको टाइम दिया गया था 4 आवर्स का अपने काम कंप्लीट करना है, लेकिन उसने 5 आवर्स लिए हैं या फिर 6 आवर लिए हैं, मतलब स्टैंडर्ड टाइम से ज़्यादा टाइम लिया है, तो उसको पैसे देने चाहिए टाइम के अकॉर्डिंग, जितना उसने टाइम लिया उसके अकॉर्डिंग दो. लेकिन अगर वर्कर क्या करता है, स्टैंडर्ड टाइम में काम को कम्प्लीट कर लेता है, उसकी एफिशिएंसी 100% है, यहाँ पे बिलो 100% थी और काम उसने लेट किया है, यहाँ पे उसकी एफिशिएंसी 100% है और उसने काम जल्दी किया, तो उसको क्या देना चाहिए, 20% का बोनस भी देना चाहिए. साथ में क्या देना है, 20% का बोनस भी देना है. अगर वर्कर ने क्या किया, स्टैंडर्ड टाइम से कम में काम किया, उसकी एफिशिएंसी मोर देन 100% है, तो उसके जो वेजेस होने चाहिए वो पीस रेट होने चाहिए, काम के हिसाब से उसको पैसा मिलना चाहिए. क्लियर हो गया, ये हेनरी लैग गैंट का चार्ट है. अगर स्टैंडर्ड से कम काम किया है, कम टाइम में काम किया तो बोनस तो 20% का, स्टैंडर्ड से ज़्यादा टाइम में काम दिया तो उसको टाइम के हिसाब से सैलरी दो और कोई भी बोनस मत दो. और जो बोनस दे रहे हो उस बोनस के लिए 20% है, जो लोग स्टैंडर्ड से कम, मतलब कि स्टैंडर्ड से कम काम कर रहे हैं, स्टैंडर्ड से कम का मतलब जैसे कि उनको 4 घंटे दिए गए थे, उन्होंने 3 घंटों में अंदर ही अपना काम कर दिया, स्टैंडर्ड टाइम उन्होंने कम लिया है. ओके तो और फ्रैंको लीना गिलबर्थ ने क्या दिया, फ्रैंको लीना गिलबर्थ ने आपको, मैंने आपको बताया था टाइम और मोशन स्टडी दिया. टाइम स्टडी क्या कहती है कि हर चीज़ का प्रॉपर टाइम होना चाहिए काम करने का. मोशन स्टडी क्या कहती है कि लाइक जैसे कंप्यूटर के ऊपर किसी की स्पीड तो बहुत फास्ट होती है, तो ये क्या होती है, मोशन स्टडी होती है कि आपने अननेसेसरी एक्टिविटीज़ को क्या करना है, रिड्यूस करना है, जिससे आपकी मोशन क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होंगी. ओके उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 89. द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द टास्क दैट मेकअप ए जॉब एंड द स्किल एबिलिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नीडेड टू प्लेटफॉर्म द जॉब इज कॉल्ड प्रोसेस. जहाँ पे आपको ये डिटरमाइन किया जाता है कि आपको कौन कौन सी जो आपकी जॉब को बनाते हैं, जॉब की स्किल एबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बनाते हैं कि आपको किन किन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की जरूरत होगी या आपको जॉब करने के लिए ये चीज़ की जरूरत होगी, इट इज़ कॉल्ड द जॉब एनालिसिस. जब जॉब को एनालाइज किया जाता है तो दो चीज़ें बताई जाती हैं, एक होता है जॉब का डिस्क्रिप्शन, एक होती है जॉब की स्पेसिफिकेशन. जॉब डिस्क्रिप्शन में बताया जाता है कि आपकी जॉब ये होगी, आपकी पोस्ट ये होगी, आपको इतने घंटे काम करना होगा. जो स्पेसिफिकेशन में बताया जाता है कि आपकी एबिलिटीज़ इतनी होंगी, आपने इस अकॉर्डिंग काम कर, आपको हम आपके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, लाइक आप मास्टर्स होने चाहिए, आप लोग 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड द स्पेसिफिकेशन. अब यहाँ जो स्पेसिफिकेशन तो लिखा नहीं हुआ, सो नॉर्मली आपका आंसर हो जाएगा दैट इज़ द जॉब एनालिसिस. सो क्वेश्चन नंबर 90, गैट की क्या फुल फॉर्म होती है, गैट क्या होता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन, ध्यान से समझना, टैरिफ ऑन ट्रेड या टैरिफ ऑन, चलो यहाँ पे तो चलो जनरल आपको समझ में आ ही रहा था, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड. गैट की फुल फॉर्म जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, पहले टी ए है फिर टी आर है, बहुत बारी इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. गैट जो कब बना था, ये कब बना था आप लोगों का, 1947 के अंदर बना था विद द 23 मेंबर कंट्रीज. कितने कंट्रीज के साथ, 23 मेंबर कंट्रीज के साथ ही मिलकर बना था. बाद में इसको उर्गे राउंड हुआ था आप लोगों का, उसके अकॉर्डिंग 1995 में इसको कन्वर्ट करके WTO बना दिया गया था. क्वेश्चन नंबर गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड एक लीगल एग्रीमेंट है मैंने कंट्रीज़ के बीच में, जिसका मेन मकसद होता है इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना, जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको क्या करना, रिड्यूस करना. तो ये गैट कब बना था, साइन हुआ था 30 अक्टूबर 1947 को, लोकेशन कहाँ इसके, जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर. ओके गैट कहाँ पर है, जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है. ओके सो ऑन 1 जनवरी 1948 को गैट फोर्स के अंदर आया था, बना कब था, 1947 में साइन हुआ था, फोर्स में कब आया था, 48 के अंदर फोर्स में आया था, ठीक है. 23 फाउंडिंग मेंबर थे इसके अंदर. सो अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, पीपल हु टेक द रिस्क, मिनट, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. ओके
मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। होप्स आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी ये लेसन्स मिल सके और मुझे भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि आप शेयर करोगे तो और भी अच्छा होगा और हम अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे। और थैंक यू आप लोगों का जुड़ने के लिए। टैप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और हम डेली सुबह 7 बजे कॉमर्स की लाइव क्लास लेते हैं, तो आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 91, पीपल हु टेक द रिस्क नेसेसरी टू ऑर्गेनाइज मैनेज एंड रिसीव द फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड नॉन मॉनिटरी रिवॉर्ड इज कॉल्ड द। एक ऐसा पर्सन जो रिस्क लेता है, ओके, बिजनेस को ऑर्गेनाइज करता है, फाइनेंशियल प्रॉफिट को रिसीव करता है, कोई नॉन मॉनिटरी रिवॉर्ड होते हैं उसको भी रिसीव करता है, तो भाई वो कौन होता है? जिसने बिजनेस खड़ा किया है, इट इज़ कॉल्ड द एंटरप्रेन्योर। कौन होता है? एंटरप्रेन्योर होता है जो अपना बिजनेस खड़ा करता है, रिस्क लेता है। ये हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस होता है। अभी नहीं देखा आप लोगों ने, प्लीज़ जाके उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 92, ए मार्केटिंग डाटा बेस इज बिल्ट एज एन एड टू। जो एक मार्केटिंग डाटा बेस होता है वो किस चीज़ से मिलके बनता है? जो एक मार्केटिंग डाटा बेस होता है वो मार्केट रिसर्च होती है, या प्रोडक्ट मिक्स एक्सपेंशन, या कॉस्ट को कम करना, या प्राइस को हाइक करना। तो जो एक मार्केटिंग डाटा बेस होती है उसका सहारा किस चीज़ का होता है? मार्केटिंग रिसर्च का। आप कोई भी डाटा बेस इकट्ठा करोगे तो रिसर्च तो करेंगे ना उसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 93, द मॉडल दैट अप्लाई टू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट वॉज प्रपोज टू बी अप्लाई टू द कैश मैनेजमेंट बाय। आपको पता है कैश मैनेजमेंट के दो मॉडल हैं, एक है आप लोगों का मिल्लर और ओर मॉडल, एक है आप लोगों का बाउमल मॉडल। तो इसके अंदर से एक ऐसा मॉडल है, जैसे आप इन्वेंट्री की थ्योरी पढ़ते हो ना, ईओ क्यू थ्योरी पढ़ते हो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वैसा ही एक आपका पूरा है। तो वो कौन से वाला है आप लोगों का? ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। जो बाउमल वाला फॉर्मूला है वो सेम एज इट इज़ ईओक्यू की तरह लगता है। बाउमल का ईओक्यू मॉडल क्या है? कैश मैनेजमेंट का। विलियम जे बाउमल 1952 में ये सजेस्ट किया था कि ईओक्यू मॉडल वहाँ पे आप लोगों का अप्लाई होगा, ठीक है। तो ईओक्यू मॉडल के अंदर आपका फॉर्मूला क्या होगा कि आपको कितना कैश है उसका एक बैलेंस बना दिया जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2 into A into T बाय में I। मतलब यहाँ पे क्या होगा, A का मतलब आपका एनुअली कितना पैसा चाहिए, T का मतलब क्या होगा, ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी आ रही है। ध्यान से सुनना, जैसे कि जब आप ईओ क्यू करते हो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी करते हो, वहाँ पे दो कॉस्ट के बीच में बैलेंस बनाते हो। किस किस चीज़ के बीच में बनाते हो? एक होती है कैरिंग कॉस्ट, एक होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? आप गुड्स को ऑर्डर करते हो तो उसका कॉस्ट आती है। कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि आप उसको संभाल के रखना पड़ता है, वेयर हाउस वगैरह का, तो वो होती है कैरिंग कॉस्ट। सो उन दोनों को आपने मिनिमम से मिनिमम करना है, ओके। तो जो कैरिंग कॉस्ट होती है कैश की, उसको हम लोग यहाँ पे द कैरिंग कॉस्ट ऑफ द होल्डिंग कैश नेमली द इंटरेस्ट फॉरगॉन, मतलब कि यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट क्या होगी कैश की? आपने कैश को संभाल के रख रखा है अपने बिजनेस में यूज़ करने के लिए। अब वो यूज़ करने के लिए रख रखा है तो आप कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आपका जा रहा है ना, आप कहीं उसको इन्वेस्ट करते हो तो आपको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट मिलता, तो वो आप लोगों का जा रहा है। सो बाउमल मॉडल ने क्या बताया है कि आपने करेक्ट बैलेंस करना है किसके बीच में? होल्डिंग कॉस्ट के बीच में और ट्रांजैक्शन कॉस्ट के बीच में। यहाँ ऑर्डरिंग कॉस्ट की जगह क्या यूज़ हो रहा है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो रहा है, और कैरिंग कॉस्ट की जगह तो होल्डिंग कॉस्ट हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या रखना है? बैलेंस रखना है। तो ये आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, विलियम जे बाउमल मॉडल, ओके। सो मिल्लर और मॉडल भी प्रोपाउंडेड किया गया है एक कैश मैनेजमेंट मॉडल का। मिल्लर और मॉडल के अंदर क्या बनाई गई है? एक लिमिट बनाई गई है, एक कंट्रोल लिमिट बनाई गई है, दो कंट्रोल लिमिट बनाई गई है। एक होती है अपर कंट्रोल लिमिट और एक होती है लोअर कंट्रोल लिमिट। इसके अकॉर्डिंग देखो, जैसे कि दो लिमिट बनाई गई है, अपर कंट्रोल लिमिट मतलब कि इससे ज़्यादा बैलेंस नहीं रखना चाहिए, और लोअर कंट्रोल लिमिट इससे कम आपके बैलेंस नहीं होना चाहिए। तो जो आप लोगों का ये वाला मॉडल है मिल्लर और कैश मैनेजमेंट मॉडल, ये किसके बीच में रिलेशन बताता है आप लोगों को? लोअर लिमिट और हायर लिमिट के बीच में बताता है। बाउमल मॉडल ईओ क्यू की तरह काम करता है, मिल्लर और मॉडल दो लिमिट बताता है, कौन कौन सी? हायर लिमिट और अपर लिमिट। सो क्वेश्चन नंबर 94, इफ ए हाइपोथेसिस इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट देन इट इज कंक्लूडेड दैट। अगर आपकी हाइपोथेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट है तो आप यहाँ क्या कंक्लूड करोगे? कि जो ऑब्जर्व रिजल्ट है वो चांस की वजह से नहीं है, या ऑब्जर्व रिजल्ट प्रॉब्ली है, चांस रिजल्ट है, क्या बताओगे? आपने हाइपोथेसिस बनाई, हाइपोथेसिस क्या होती है? एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जिसको आप लोगों ने क्या करना होता है?
प्रूव करना होता है, वो आपकी होती है हाइपोथेसिस। तो अगर आपकी जो हाइपोथेसिस है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका ऑब्जर्व रिजल्ट है वो चांस की वजह से नहीं है, आपका ऑब्जर्व रिजल्ट क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट है। ओके, तो 94 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो अगला क्वेश्चन 95, अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन। इन द बिस्ट स्टेज ऑफ पीएलसी, पीएलसी की स्टेजेस होती हैं, कौन से वाली के अंदर कंपनी डिसीजन लेगी कि वेदर टू मेंटेन हार्वेस्ट और ड्रॉप, कि कहाँ मेंटेन करना है या हार्वेस्ट करना है या बिजनेस को ड्रॉप करना है। तो ये आपके लिए आंसर दीजिएगा इसका कमेंट बॉक्स में, मैं अगली वीडियो में इसका क्वेश्चन आपको आंसर आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।